और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की, जहां के जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में रोजगार मेलों और करियर काउंसलिंग को प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय टीम के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सेवा योजना अधिकारी अंजलि शर्मा ने जिलाधिकारी को बताया कि जिले के सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कराया जाना है। जनपद के अंतर्गत आउटसोर्सिंग संविदा, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी क्षेत्र की समस्त रिक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड कराना, रोजगार मेलों में प्रतिभाग कर रहे नियोजकों की उचित व्यवस्था कराना, रोजगार मेले हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाना और कार्यक्रमों से जुड़ी समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना आदि हैं। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करना और चयनित अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान भी कराना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, विकास विभाग आदि विभाग वैकेंसी के लिए सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत करा लें, जिससे कि लोगों को जानकारी आसानी से मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग इकाइयों को भी इसमें जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मेले स्थापित किए जाएं, जिससे कि जनपद के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर अन्य बिंदुओं में भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे, GMDIC चंद्रभान सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। अगर मैं 1 अप्रैल से अभी तक का बताऊं तो 542 स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से अभी तक कैंडिडेट्स बेटर टू से।